210 रुपए जमा कराने पर जीवन भर मिलेंगे 5000 रुपये। आप असंगठित क्षेत्रों में कामगार हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस करते हैं, वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन को लेकर चिंतित हैं, तो यही वो योजना हो सकती है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। अटल पेंशन योजना में ना केवल आपका कम राशि जमा करवा कर हर माह ज़्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु के दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। इस पेंशन योजना के धारक को मृत्यु होने पर, उसकी पत्नी और पत्नी के भी मृत्यु होने पर स्थिति में बच्चों का पेंशन मिलती रहेगी। सबसे खास बात यह है कि जीवन भर पेंशन पाने के लिए आपको आजीवन इस खाते में पैसा जमा नहीं करवाना होती है। साथ ही पीएफ खाते की तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान देगी। आपकी जमा पर कितनी मिलेगी पेंशन? सरकार की घोषणा के मुताबिक 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। सरकार ने आयु और जितनी पेंशन आप हर माह लेना चाहते हैं उसी के अनुसार हर माह पैसा जमा कराने के लिए स्पष्ट नीति बनाई है। मसलन आप हर माह 1000 रुपये की पेंशन चाहते हैं और आपका आयु 18 वर्ष है तो आपको 42 साल तक हर माह 42 रुपये जमा करवाने होंगे। वहीं 40 साल की उम्र वालों के लिए 291 रुपये 20 साल तक हर माह जमा करवाने होंगे। 1000 रुपये पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित उत्तराधिकार को 1,70,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह 2000, 3000, 4000 या अधिकतम 5000 रुपये प्रति माह पेंशन चाहने वालों के लिए उम्र के हिसाब के प्रति माह का प्रीमियम देना होगा। अगर आप फिलहाल 30 साल के हैं और चाहते हैं कि आपको हर माह 5000 रुपये की पेंशन मिले तो आपको 30 साल तक प्रति माह 577 रुपये जमा करवाने होंगे। ऐसे लोगों के अगर मृत्यु हो जाते हैं तो उनकी नामांकित उत्तराधिकार को 8,50,000 रुपये दिए होंगे। कब तक जमा करवाने हैं पेंशन का प्रीमियम? अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है। आपकी उम्र इस दायरे में कुछ भी हो, आपको अधिकतम 60 साल की उम्र तक पेंशन प्रीमियम हर माह जमा करवाने होंगे। इसके बाद जिस पेंशन राशि के लिए आपने अपने खाते में पैसा जमा करवाए हैं आपको प्रति माह मिलने लगेंगे। कितने पैसा देगी सरकार आपके खाते में? अटल पेंशन योजना में आपके साथ सरकार भी आर्थिक योगदान करेंगे। सरकार आपके जमा राशि का 50% या अधिकतम 1000 रुपये प्रति वर्ष योगदान करेगी। हालांकि ये योगदान उसी खाताधारक को मिलेगी जो आयकर अदा नहीं करता है। कैसे खुलवाए अटल पेंशन योजना में खाता? सरकार ने ये योजना पूर्व एनडीए सरकार की खालंबन योजना की जगह लॉन्च की है। एनपीएस योजना के लिए जो बैंक और संस्थाएं काम कर रही थी वही अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने के लिए अधिकृत की गई है। फिलहाल कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंक नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाता खोलते हैं। संभव है कि वही बैंक जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इत्यादि ही नहीं इन नए योजना में खाता खोले। कैसे जमा होगे योजना में प्रीमियम? अटल पेंशन योजना के खाते में प्रीमियम जमा करवाना बेहद आसान होगा। इस योजना में प्रीमियम ऑटो डेबिट सुविधा के तहत किया जाएगा। इसके चलते आपको हर माह बैंक नहीं जाना होगा। प्रीमियम की राशि तय दिनांक पर अपने आप आपके खाते से अटल पेंशन योजना में चली जाएगी। कितने राशि पर कितना पेंशन मिलेगी? अगर उपभोक्ता 42 रुपये प्रति माह अटल पेंशन योजना के तहत जमा करवाती हैं तब उसे 60 वर्ष के उम्र के बाद 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अगर उपभोक्ता 210 रुपये प्रति माह अटल पेंशन योजना के तहत जमा करवाते हैं तब उसे 60 वर्ष उम्र के बाद 5000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
चिंता नहीं करे, सरकार है ये योजना। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से लॉन्च की जा रही है, इसलिए इस योजना को लेकर किसी तरह का भ्रम का स्थिति नहीं बनती है। इस योजना का क्रियान्वयन पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। खावलम्बन योजना खाते का होगा विलय। सरकार का बजट घोषणा के मुताबिक खावलम्बन योजना में खाता खुलवा चुके लोगों के सीधे अटल पेंशन योजना के भागीदारी बन जाएगा, यानी कि उनकी पुरानी पेंशन योजना के नए पेंशन योजना में मर्ज कर दिया जाएगा। कौन नहीं खुलवा सकते हैं इस योजना में खाता? सरकार की घोषणा के मुताबिक ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आता है, सरकारी कर्मचारी या फिर पहले से ही ईपीएस जैसे योजना में शामिल हैं, वो अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालांकि ईपीएफ खाताधारक के पेंशन योजना में हिस्सा लेने के लिए अधिकार दिलाने वाला संशोधन जल्द ही पेश किया जा सकता है। संभवतः इसके बाद ईपीएफ खाताधारक भी पेंशन योजना के हिस्सा में बन सकेंगे। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आता है, सरकारी कर्मचारी है या फिर पहले से ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजना में शामिल है, वो अटल पेंशन योजना के हिस्सा नहीं बन सकते। हालांकि ईपीएफ खाताधारक को पेंशन योजना में हिस्सा लेने के लिए अधिकार दिलाने वाला संशोधन जल्द ही पेश किया जा सकता है। संभवतः इसके बाद ईपीएस खाताधारक भी पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन को प्रेस करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।